गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं लड्डू गोपाल जी से। तो लड्डू गोपाल जी को भी इन्हें नहला दिया है सुबह सुबह, और बस अब भोग लगाना रहता है कान्हा जी का। तो मनन भोग लगाएगा, पहले पानी पिलाएगा, फिर मैं दूध का भोग लगाऊंगी। और ये देखिए कान्हा जी की ड्रेस, तो कान्हा जी के टॉयज कर देते हैं भाई, ठीक। और मैं नहा ली थी भाई, नहाने का भी कोई फायदा नहीं होता, इतनी ज्यादा गर्मी है, फिर पसीने आ जाते हैं घर का काम करने के बाद, फिर एक बार फिर नहाना पड़ता है काम कुम करके। तो चलो जी, आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा भाई, आज का ब्लॉग है बड़ा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज आ रहे हैं घर पे गेस्ट, और जब वो आएंगे आपको तभी पता चलेगा कि कौन आएगा। तो गेस कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा भाई ब्लॉग देखते देखते कि कौन आ रहे हैं आज, कौन आ सकते हैं, और बड़ा मजा आएगा भाई। तो चलिए जी करते हैं शुरुआत फटाफट, आज बहुत सारे काम है तो आपको फटाफट दिखाती हूँ मैं। तो चलो, तो सबसे पहले भाई मैंने बेडशीट बिछा दी है, बेडशीट चेंज कर दी है, ये है बेड और ये है भाई बेडशीट। तो बेडशीट कैसी लगी तो प्लीज बताइएगा कमेंट करके, मेरे को तो बड़ी अच्छी लग रही है, डिजाइन बहुत प्यारा है, अलग सा यूनिक सा डिजाइन है। तो ये वाला बेडरूम हो गया है डन, तो बस पोछा रह गया, पोछा मैं फटाफट लगा देती हूँ। तो ये देखिए, और अब चलते हैं नेक्स्ट रूम में भाई। मनन मनन दूध। तो भाई ये है सेकंड रूम, सेकंड रूम में ये देखिए रूम की लुक, आप बताइएगा कैसा लग रहा है। तो ये है सेम ही है बेडशीट, बस कलर चेंज है दोनों उसके बेडशीट्स के। तो ये मैंने इससे कंट्रास्ट में ली थी, तो आप बताइएगा मैचिंग बन रही है कि नहीं बन रही है। मेरे को तो अच्छी लगी, क्रीम और ब्राउन का, और इधर भी क्रीम और ब्राउन का कंट्रास्ट है बेड पर। तो ये है बेडशीट इसकी, और भाई सुबह सुबह इसी ऑन कर लिया क्योंकि गर्मी है भाई बहुत ज़्यादा। तो फटाफट से करते हैं झाड़ू और पोछा, और किचन दिखाती हूँ, किचन अभी मेरा रहता है भाई। तो किचन में अभी मनन का बनाना है भाई ब्रेकफास्ट, और मैंने मंगाए थे भाई ये वाले चावल अभी अभी ब्लिंकिट से। तो ये देखिए चार मीनार एवरीडे यूज, तो ये भी डालने हैं। तो ये वाले मंगाए थे, अभी किचन का काम मेरा सारा रहता है भाई। तो फटाफट आपको दिखाती हूँ खाने में आज क्या बनेगा। तो ये देखिए सुबह सुबह मैंने जो वाइट चने हैं वो मैंने भिगो लिए थे गर्म पानी में, तो अब ये बहुत ज़्यादा फूल गए हैं। तो ये देखिए, और पनीर ले आए थे, तो छोले पनीर और चावल बनाऊँगी उनके लिए। और फटाफट घर का काम कर लेती हूँ, फिर एक बार आपको दिखाऊंगी जब पूरा घर रेडी हो जाएगा साफ सुथरा। और मनन भाई नहा के मंदिर जा रहे हैं, है ना मनी। तो भोग लगा दिया कानू को पानी का, हाँ लगा दे भर ले। तो चलिए जी फटाफट काम कर लेती हूँ मैं भी रेडी होके, फिर आपको दिखाती हूँ। ये कमरा भी हो गया, बस थोड़े से ये पिल्लो वगैरह ठीक करने रह गए हैं। तो चलो जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं, फिर मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में जब सारा काम हो जाएगा डन। तो भाई काम वगैरह मैंने कर लिया और अब बन रही है सब्जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। ये है चने जो मैंने बॉईल कर लिए, और ये प्याज और ये टमाटर ग्राइंड हो रहे हैं। तो चलो जी दिखाते हैं रेसिपी, पंखा ऑन कर दे। ये मैंने तेल चढ़ा लिया है, ये देखिए इसमें मैंने तेल डाल लिया है, और तेल हो गया गर्म। अब इस टाइम पर हम डालेंगे इसमें जीरा, और छोले पनीर बना रही हूँ मैं, तो ये डाल दिया जीरा। अब जैसे ही जीरा होगा तो इसमें डालेंगे प्याज, फिर टमाटर, और इसमें डालेंगे भी एवरेस्ट का छोले मसाला, ये देखिए। और देखो हो गया फटाफट। तो भाई इसके बाद बस मैं एक बार नहा लूँगी दोबारा, क्योंकि गर्मी बहुत है। इसमें डाल दी मैंने प्याज, बस इनको ग्राइंड होने देते हैं, और सॉरी तड़का हो गया तैयार, फिर मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। तो बस भाई तड़का हो ही गया, और अब इसमें डालूंगी ये देखिए टमाटो पेस्ट, और ये सारे मसाले मैंने देखो इसी में डाली हैं ढक्कन में, टाइम की बचत हो जाती है भाई, और व्लॉग बनाने में भी आसानी होती है, वरना एक एक चम्मच दिखाओ ये डाला ना माँ ये डाला ये। तो बस मैंने इकट्ठे डाल लिए सारे, और बस अब मेरा ये हो गया है। पानी भी मैंने डाल लिया है, ये देखो पानी के लिए, और ये ले लिए छोले। तो बस फटाफट करते और सब्जी मेरी बन जाएगी, और फिर इसको सब्जी को रिता के इसी में मैं चावल रख दूँगी बनने ये वाले, तो जो आज सुबह मंगाए थे। तो चलो बस अब डाल लेती हूँ मैं भाई, दो मिनट और कर लूँ, मेरे को अभी इसका लगा नहीं है कलर हुआ,
और बड़े टेस्टी बनते हैं भाई छोले, क्योंकि इसमें मैं हल्दी नहीं डालती, तो इनका जो कलर है ना बड़ा अच्छा सा आता है, ब्राउन ब्राउन सा। तो चलो भाई इस टाइम पे डाल लेते हैं इसमें टमाटर छोटे हो रहे ये गई सारी, ठीक है। अब इसको आप हल्का सा मिक्स कर लीजिए और दो मिनट पका लो, क्योंकि क्या होता है फिर ये हो गया। अब इस टाइम पे मैं साथ ही डालूंगी वे मसाले, ये देखो ये सारे मसाले मैंने डाल दिए, ठीक है। ये पकेगा ना तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें साथ ही मैं डालूंगी भाई छोले मसाला, जो ये रहा मेरे पास, ये मैं बाहर निकाल लेती हूँ। अरे कहाँ टक गया भाई, ये देखिए। तो एक बार मैं डालूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो ये मैंने डाल लिया भाई मसाला, और कलर इसका देखो, कलर अभी से चेंज हो गया, जो रेडिश वो होता है ना ब्राउन ब्राउन, जो बाहर आपने देखी होगी होटलों में सब्जी, तो वैसा कलर हो जाता है चनों का। तो इसमें थोड़ा पानी डाल लेती हूँ, उसकी ग्रेवी थोड़ी ठीक हो जाएगी, तो पानी डाल लेती हूँ मैं फिर दिखाती हूँ। तो ये देखो पानी मैंने डाल लिया है, अब इसमें एक बॉयल आने दो, बस इसमें मैं चने डाल दूँगी और लगवा दूँगी 3-4 सीटी, फिर लास्ट में इसमें मैं डालूँगी पनीर। और मैं अभी थोड़े हार्ड ही बनाती हूँ, मतलब मेरे को ना पानी वाले बिल्कुल पसंद नहीं है, कहीं तो बिल्कुल ही पानी बना देते हैं, तो मेरे को नॉर्मल सा पसंद है। ये देखो ये डाल दिए इस टाइम पे गई चने, और एक बार चनों को कर लेती हूँ मिक्स, फिर इसमें पानी डालूंगी। और ये देखो तो इसमें पानी डाल लेते हैं, ये रहा भाई पानी, और जितना आपने पतला करना भाई, इसमें 5-6 सीटी लगेंगी, उसके अकॉर्डिंग मैं डाल लेती हूँ पानी। ये देखो अब इसमें और डलेगा पानी, क्योंकि थोड़े मोटे हैं ना चने, और उसके चावल के साथ थोड़ा सा, ये देखो अब ठीक है। अब इसमें मैं डाल लेती हूँ, लगा लेती हूँ 5-6 सीटी, फिर आपको दिखाती हूँ जो फाइनल लुक होगी रेडी हो जाएगी। चलिए तो भाई अब बना लेते हैं राइस। तो ये देखिए ये मैंने डिप कर ली है राइस, और अब इस कुकर में बना लूँगी। तो ये इंडक्शन गैस भी है, और ये है इसकी लिड भाई, तो बनाते हैं फटाफट। और उधर गई सब्जी रखी है, तो सब्जी मेरी बन गई है, बस ये चावल रह गए, तो चावल बना लेते हैं और उसके बाद चलो फिर आपको दिखाते हैं जब गेस्ट आते हैं। सब्जी मेरी बन गई है, और इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा जो ये मखनी होती है ना, इससे क्या होता है छोले टेस्टी बनते हैं और ग्रेवी में मिक्स हो जाते हैं भाई। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। मम्मा मखनी क्या होती है? ये देखो ये जो ग्रेवी है ना, ये हार्ड हो जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखने में भी अच्छी लगती है, वरना तो छोले अलग पड़े रहते हैं, और ये जो पानी होता है ना छोलों का, ये अलग पड़ा होता है। ये देखो तो इसी में ही फर्क पड़ गया। देखो अभी मैं दिखाऊंगी आपको, अभी रुक जाओ, क्योंकि चने ना भाई मेरे को पसंद नहीं है ऐसे पानी में अलग अलग दिखते रहे ना, है ना मनन? मुझे भी नहीं लगता अच्छा, और उसमें तो फिर बिल्कुल ही। तो मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, देखो मिक्स करके, ये देखो अब लग रहा है अच्छे, है ना। तो बस अब इसमें डाल देते हैं, अभी एक पैकेट पनीर लिया था मैंने, और ये इसमें डाल दूंगी, और इसको मैं बंद कर दूंगी, थोड़ा सा ना प्रेशर हो जाएगा और इसमें जो पनीर है वो मिल जाएगा और सॉफ्ट बन जाएगी सब्जी बिल्कुल। ये देखो है ना अच्छा कलर लग रहा है ना देखने में, ये देखो। और बस अब इसको बंद कर देती हूँ, सब्जी मेरी बन गई है अभी, और चावल मेरे बन चुके हैं, बस अब आते हैं तो रोटी की कोई टेंशन नहीं है। तो चलो तो वही देखो हर्षी आ गई है। कौन आया हमारे घर आज? हर्षी। कौन आई? हर्षी आई आज। तो भाई यही गेस्ट आने थे, मेरी सिस्टर और आई हैं आज, और अब वो सो रही हैं, तो जब उठ जाएंगी तब मिलवाऊंगी आपसे, क्योंकि जब आए फिर खाना भी ना खाने लग गए, है ना हर्षी, है ना। पहले खाना खाया हर्षी, फिर थक गई थी, फिर हर्षी को खाना दिया हमने, है ना, फिर हर्षी ने फोन देखा थोड़ी देर, अब वो सो रहे हैं, तो जब उठेंगे ना फिर मिलवाती हूँ आपसे, और फिर देखते हैं कहाँ का प्लान बनाते हैं घूमने का, फिर चलेंगे घूमने, ठीक है हर्षी। कहाँ जाना है अर्ची? मन कर रहा है जाने का।
कहाँ घूमने जाना है? हर्षी बता, हर्षी क्या मन कर रहा है आपका, कि क्या करना चाहते हो आप? सारा कुछ करना चाहते हो। जोर से बोलो ना। सारा कुछ करना चाहते। सारा कुछ मतलब क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? क्या सबसे अच्छा? कहाँ जाना है आपने? बोलो, जहाँ आप कहोगे ना वहाँ ले चलेंगे फिर। ठीक है, बताओ क्या करना चाहते हो? और मनी भी चलेगा, सारे चलेंगे। होप अप तो जाए आप, और कहाँ जाना है? चलो आपको गेम ही खिला के लाएंगे, ठीक है आज भी। चलो ठीक है, देखते हैं अभी। मासी और को उठने दे पहले तो भाई, जब वो सो के उठती हैं फिर बनाते हैं प्लान कहाँ जाते हैं, है ना भाई हर्षी? ठीक है चलो भाई, हम भी हर्षी के साथ बातें कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना हर्षी? मम्मा सो रही है ना, मम्मा को उठने दो, फिर मम्मा से पूछेंगे, ठीक है? चलो भाई थोड़ी देर में मिलते हैं जब वो उठ जाते हैं उसके बाद। तो हेलो जी, अब है भाई शाम का टाइम और मैं रेडी हो गई हूँ। दीदी और भी उधर चाची के घर गई हैं थोड़ी देर, तो बस मैंने ये वाला सूट डाला है। बाकी लुक मैं दिखाऊंगी, कोई कैमरा पकड़ेगा तो। बस अब बाहर जाने का प्रोग्राम है, वो उधर तैयार होकर ही गए हैं, तो बस आने वाले हैं। मैंने फ़ोन कर दिया, वो आ ही रहे हैं। और मौसम इतना अच्छा हो गया ना भाई, बहुत अच्छा। दोपहर को तो कोई ये था, अब इतनी गर्मी है कहाँ जाना है, रहने दो, जाते ही नहीं है गर्मी में। लेकिन आपको मौसम दिखाती हूँ, इतना ठंडा हो गया बाहर। और एक मिनट, बैक कैमरा कर लेती हूँ।